उत्तराखंड में जहां एक तरफ केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है, तो वहीं चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में विवाद देखने को मिल रहा है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और उपचुनाव पर्यवेक्षक गणेश गोदियाल में रिपोर्ट सौंपने को लेकर जंग छिड़ गई है। भाजपा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर चुटकी ली है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस में उठा पटक आज की बात नहीं है, बल्कि कई पीढ़ियों से चली आ रही है और इनके नेताओं में आपस में ही एकता नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक गिरोह की पार्टी, कांग्रेस में गिरोह हलाने का गिरोह, हलाने का गिरोह, इसका गिरोह, उसका गिरोह, वो गिरोहों में बटी हुई पार्टी, तो गिरोहों की लड़ाई चल रही है। प्रवेक्षक जिनको बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि उनको हवा ही नहीं है कि किन के नाम पैनल में भेज दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी लोगों के सामूहिक निर्णय के बाद प्रत्याशी को तय किया जाता है, प्रत्याशियों का पैनल बनाया जाता है। कांग्रेस गिरोह पार्टी है, गिरोहों में चलने वाली पार्टी है, अपने अपने धड़ों को की पार्टी है, तो धड़ों की लड़ाई है। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर लेग पुलिंग का खेल आप देखेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश तक साफ साफ दिख रहा है। निश्चित रूप से वो हताश है, निराश है। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे तमाम क्षेत्र के लोग हैं, जो हमने वहाँ विकास कार्य किए हैं, सभी कार्यकर्ता उनको लेकर के, उन कार्यों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी विजय होने वाली है और कांग्रेस का के अंदर तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। कांग्रेस में कहावत सेट बैठती है कि सूत न कपास और जुड़ाहों में